नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पट। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दिल्ली सरकार की छत्र छाया में ऑक्सीजन की कालाबाजारी, दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को आपने जो प्रश्रय दिया है, इंडियन एक्सप्रेस की मैंने सुबह रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद मैं भी भारत सरकार की उस वेबसाइट पे गया तो मैंने देखा कि ये 93 देशों की लिस्ट है जिनको 93 देशों की लिस्ट है जिनको भारत सरकार ने पिछले 3 महीने में वैक्सीन बेची है। भारत में बनी हुई, भारत के वैज्ञानिकों की खोजी हुई वैक्सीन हमने 93 देशों में बेच दी। 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हमने दूसरे देश के लोगों को भेज दी। थोड़ी सी और रिसर्च की, इंडियन एक्सप्रेस ने भी आज उसको रिपोर्ट किया है, मैंने भी थोड़ी और रिसर्च की, तो यह समझ में आता है कि इन 93 देशों में से 60% देश तो ऐसे हैं जहां कोरोना के हालत बिल्कुल खराब नहीं है, जहां कोरोना ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। 88 देश ऐसे हैं जहां पर डेथ कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, वहां पर डेथ का इतना भयावह सामना नहीं कर रहे। मार्च से लेके, जब से कोरोना की दूसरी वेव पूरे देश में आई है, मार्च से लेके और अब तक पूरे देश में, हमारे देश में 1,00,000 मृत्यु हो चुकी है, 1,00,000 लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं, 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके, इसलिए कि दुनिया में ये नाम हो सके कि भारत में इस समय एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है जो विदेशों को वैक्सीन दिए जा रही है। 2 देश आपकी तारीफ करेंगे उनकी तारीफ सुनने के लिए, अपने लोगों को मरने की कीमत पर विदेश के 4 देशों की तारीफ सुनना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, मैं मानता हूं। खुद तो कुछ काम करना नहीं और सब काम के लिए केंद्र की ओर देखना, ये दिल्ली सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, मिसमैनेजमेंट है। आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल को 2700 केसेस आए थे, केंद्र सरकार ने 6 मार्च को चिट्ठी लिखी थी दिल्ली सरकार को कि आप ऑक्सीजन के प्रिक्योरमेंट की व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन दिल्ली सरकार पर जू नहीं रहेंगी, केजरीवाल सरकार मस्त अपना बैठे रही और इन्होंने जब हॉस्पिटल से लोगों से दबाव आएगा तो जाकर इन्होंने 18 अप्रैल को क्रायोजेनिक टैंकर के टेंडर के लिए, क्रायोजेनिक टैंकर लेने के लिए लोगों की, वेंडर्स की खोजबीन शुरू की। ये ऑन द रिकॉर्ड है। आप देखिए, ऑक्सीजन मैनेजमेंट को बिगाड़ना दिल्ली सरकार ने किस तरह से किया है। जो काम इन्हें मार्च के महीने में करना था, 28 अप्रैल को जाकर इन्होंने पब्लिक सिटीजन फैसिलिटेशन, यानी जो नागरिक सुविधाएं देनी थी ऑक्सीजन के नाम पर, उनका कोई सिस्टम बनाना था, वो जाकर 28 अप्रैल को बनाया। ये दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा फेल्योर है। के दौर में, इस महामारी के दौर में, जहां एक ओर दिल्ली की जनता तड़प रही है, जहां दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम सामाजिक धार्मिक संस्थाएं लोगों को कैसे मदद मिले इसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे सांसद विधायक सब लोग दिन रात लगे हुए हैं, और वहीं तीसरा पक्ष
दिल्ली सरकार का है कि दिल्ली सरकार के मंत्री, इनके विधायक, वो लगातार कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाइयों की कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं और ऐसी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कि इस पूरे क्राइसिस का अगर कोई सबसे अधिक जिम्मेदार है तो वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, लोगों की जान से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस पर जो क्रिमिनल लापरवाही की गई, जो आपराधिक लापरवाही की गई है, इसको भारतीय जनता पार्टी कतई छोड़ेगी नहीं और हम इसको जनता तक भी ले जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस महामारी के समय सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है।